अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू वन न्यू सीरीज़ ऑफ वीडियोस। हम लोग आज भिवंडी में हैं एट क्लासिक गोट फार्म। ये वीडियो एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, एक टूर देंगे हम लोग क्लासिक गोट फार्म का आपको। सो आइए अंदर चलते हैं और नदीम भाई से मुलाकात करेंगे एंड आपको एक बहुत ही बढ़िया टूर देंगे। बहुत सारे बकरे आपको आज देखने मिलेंगे एट क्लासिक गोट फार्म। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। नदीम भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप आसिफ? मैं बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र है नदीम भाई। एंड आज आपके फार्म पे हम लोग आए क्लासिक गोट फार्म जो माशाल्लाह पहले ही बहुत फेमस है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आज मुझे मौका मिला ये फार्म पे आने का और आपसे कुछ बातें करने का। जी सो अंदर चलते हैं नदीम भाई, एक छोटा टूर दे देते हैं लोगों को। जी है ना। सो नदीम भाई चलते चलते कुछ बातें भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। जैसा मैं बिलीव करता हूँ एक वॉक एंड टॉक होए। जी जी जरूर, मज़ा आता है जी। सो नदीम भाई, फार्म कब से हम लोग स्टार्ट किए हैं? आसिम भाई, ये फार्म हमारा है 2015 से। जी। उसके पहले कुछ साल हम लोगों ने देवनार के अंदर शौकिया तौर पे बकरे ला के बेचते थे। जी। तो कुछ सालों तक ऐसा ही था, चलता रहा कि टाइम पर मौके पर रमज़ान के बाद बकरे खरीदी कर ली और फिर बकरे ला के बेच दिए बकरीद में। जी। शौक आस्ते आस्ते बढ़ता गया बढ़ता गया, तो 2015 में ऐसा इरादा हुआ कि एक छोटा सी फार्म डालना चाहिए। जी। तो हमारे कुछ दोस्त थे यहाँ के लोकल, उन लोगों की मदद से यहाँ हम लोगों ने फार्म डाले और फिर ये फार्म आस्ते आस्ते 2015 की अक्टूबर से हमने ये फार्म शुरू किया था, 2015 अक्टूबर से, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अल्लाह के करम से चल रहा है माशाल्लाह। माशाल्लाह। और काफ़ी वीडियोज़ भी देखते हैं हम लोग हर साल आपके। जी। एक टाइम पे कितने बकरे की कैपेसिटी हमारे फार्म पे? ये कैपेसिटी तो एक्चुअली 800 बकरे टोटल अकोमोडेट इजीली हो जाते हैं। जी। लास्ट ईयर थोड़ा 2020 में ओवरपैक्ड हो गया था बकरीद में, तो करीबन 900 बकरे उससे ज़्यादा थे। माशाल्लाह। हमारे खुद के भी थे, मेहरुद्दीन भाई भी थे, हमारे कुछ दोस्त थे उनके भी बकरे थे, तो काफ़ी लोगों के बकरे थे, तो सब लोगों के बकरे करीबन 900 बकरों से ज़्यादा थे और अल्हम्दुलिल्लाह सबके बकरे बिक भी गए थे अल्लाह के करम से। एंड संडे के दिन तो यहाँ मेला लगता होगा मेरे हिसाब से। जी, वो रमज़ान के बाद जैसे ईद का मौका आता है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह संडे के दिन काफ़ी अपने रिश्तेदार भी है, ताल्लुकात वाले हैं, दोस्त हैं जो फार्म से काफ़ी सालों से लोग जुड़े हैं, बकरे भी अल्हम्दुलिल्लाह पलाई पे उनके रहते हैं काफ़ी लोगों के, तो अपने बकरे देखने भी आते हैं और ख़रीदी करने भी आते हैं, तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से बहुत लोग आते हैं संडे। अभी हमारे फार्म पर कितने बकरे इन टोटल? करीबन एग्जैक्ट नंबर तो मुझे मालूम नहीं आसिम भाई, लेकिन अल्लाह के करम से 550 बकरों के आसपास है टोटल। मेरे भी है, उसमें कुछ पलाई के भी है, सब मिला के 550 बकरे है टोटल। जी। तो हम लोग एक ओवरव्यू तो दे ही देंगे। जी। पर हम लोग अलग अलग सेक्शंस के वीडियो बना सकेंगे। जी। जिसमें हम लोग बेचने वाले बकरे अलग से दिखा देंगे। जी। पलाई का एक अलग ही बता देंगे। जी। है ना, हमने आपका वीडियो भी देखा एक पलाई के रिलेटेड। जी। कितने बकरे टोटल पलाई पे? उसमें भी मैं एग्जैक्ट नंबर तो मैं नहीं बता सकूंगा, लेकिन करीबन 260 से ज़्यादा है, 260 प्लस है। उसमें कैसा रहता है कि कोई दो चार बकरे जाते हैं, कोई दो चार बकरे फिर आते हैं, फिर दो चार जाते हैं, फिर कुछ हमारे पास से बिक जाते हैं, वापस पलाई पे रह जाते हैं, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह साल भर का एवरेज है कि 250 प्लस से ज़्यादा बकरे अल्लाह के करम से एवरेज मेंटेन हुआ है। जी। मैंने एक बात नोटिस की, आपने कभी भी पलाई पर कभी जोर नहीं दिया है आज तक, ये आई थिंक वर्ड ऑफ माउथ ही है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं अल्लाह के करम से। कैसा था ना कि जब फार्म मैंने चालू किया था ना 2015 में, तो उस टाइम पे बड़े बड़े फार्म्स दो तीन ही थे, जैसा कि हमारे दोस्त का फार्म है एडिलेड था। जी। और अल्फाद था, ब्लू बेल है, ये हमारे रिश्तेदारों के फार्म थे, दोस्तों के फार्म्स थे, तो उस वक्त इतना पलाई पे कॉन्सेंट्रेट कोई ज़्यादा देता नहीं था, लोग खरीदते थे अपने यहाँ घर पर लेके जाते थे, अपनी दुकानों पर गलियों में पालते थे, आस्ते आस्ते लोगों का शौक बढ़ा और जगह की बॉम्बे में सब प्रॉब्लम होना चालू हुए, तो लोगों ने बकरे अपने फार्म पर देना चालू हुआ। मैं समझता हूँ 2017 या 2018 से पलाई का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा जोर में आया। जी। और अपने पास से कैसा अपना कॉन्सेप्ट कैसा है आसिम भाई, कि हम लोग बकरे जो लाते हैं सेल के लिए, वो बकरे हम लोग खुद बेच के खुद ही अपने पास मोस्टली रखते हैं ज़्यादातर। जी। क्योंकि उन बकरों में हम लोग खुद, मैं खुद सिलेक्ट करके खरीदी करता हूँ, एक एक बकरा सिलेक्ट करके छाँट छाँट के, लॉट की खरीदी मुश्किल से करता हूँ, बहुत कम, जैसे कहीं पर अगर 100 बकरे हैं और मुझे 10 ही पसंद आए तो मैं 10 ही खरीदता हूँ, 100 नहीं खरीदता हूँ, तो वो बकरे मैं वही खरीदता हूँ जो मुझे साल भर में रिजल्ट दे सके और अच्छे बन सके, तो इसके लिए मोस्टली मैं अपने बकरे पर ही ज़्यादा जोर देता हूँ कि बजाय बाहर से आए अपने बकरे आदमी यहाँ पर बेचे और यहीं पर पलाई पलाए, बाहर से भी बकरे लोग ला के देते तो वो भी हम लोग रख लेते हैं। जी। तो ये पहला शेड हमारा ये वाला बना था, पहला शेड ये वाला बना था जो सामने है। हाँ, यही बना था। जी। ये जो बकरे हैं
ये सब कुछ में पलाई के भी है, कुछ बेचने के भी है, और अभी जैसे कि अंदर फीडिंग का टाइम चालू हुआ है तो अभी सब बकरे बाहर भी आएंगे आस्ते आस्ते जी। सो नदीम भाई, हम थोड़ा सा बता भी देते हैं, जो पीछे आपके रूम है गेट के जस्ट बाजू में जी, ये क्या चीज़ के लिए? ये एक स्टोर रूम है आसिम भाई जी, इसमें फार्म की कुछ एसेसरीज जैसे कि एक्स्ट्रा कोई चीज़ें, फीडर्स है, ड्रिंकर्स है, बेल्ट से, टैग से, मशीन से, मेडिसिन से, वो सब हम लोग रखते हैं। ये एक आदमी का रूम है हमारे जो गेट के करीब में रात को सोता है जी। ये जगह जो है ये इबादत गाह है, इसमें जो हमारे दोस्त रिश्तेदार जानने वाले जो आते हैं, नमाज का वक्त हो जाता है तो नमाज पढ़ने के लिए उनके लिए ये बनाया गया था माशाल्लाह। और ये बाजू में वजू खाना है, यहाँ आदमी वजू करके और नमाज पढ़ सके। ये पहले हमारी ऑफिस थी, हम लोग इस पर सब लिखते थे, अभी भी इसको ऑफिस जैसा ही मेंटेन किए है, लेकिन एक ऑफिस कम स्टोर रूम ज्यादा हो गया है। अच्छा, वो तो हो जाता है कभी कभी, वो तो फार्म के अंदर ऐसा है कि सब आगे पीछे चलते रहता है जी। एंड ये आपका वेट मशीन है यहाँ पर? ये वेट मशीन है मेरा, ये हमारा अनाज का गोडाउन है आसिम भाई जी। ये तो ये पीछे तक पूरा अनाज का गोडाउन है, और यहाँ से बच्चों बकरों के गाले स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक ओवरव्यू दे रहे हैं अभी, बाद में अलग अलग वीडियो बनाएंगे बेचने वाले बकरों के जी। तो ये सारे बकरा ईद के लिए अवेलेबल गोट्स है ना? ये तो मोस्टली जो पहला बाड़ा जो है नासिम भाई, ये मोस्टली बिका हुआ है, और इसमें सारे बकरे पलाई के हैं। जैसे आप देख लो सब बड़े बड़े बकरे, 90 kg, 100 kg, लगभग इसमें 130 kg तक के बकरे है। जैसे ये बकरा हम लोग देख रहे हैं, ये बकरे पे आप थोड़ा सी जूम इन करिए, ये 127 kg पे रहे। ये बकरा है आसिम भाई 130 kg के आसपास है लगभग। ये क्या क्या नस्ल बतीसा है भाई? ये क्या जी, ये बकरा कौन सी नस्ल का? ये कोटा नस्ल का कोटा है। अच्छा, माशाल्लाह। ये मेरे पास 1.5 साल से पल रहा है, मेरे पास जब आया था तब ये 60 kg के आसपास था, 60 kg 60 kg के आसपास था, लास्ट ईयर आया था, तो ये 90-95 kg पे ये ईद पर था। तो ये हमारे जो दोस्त है ताज भाई, उन्होंने इरादा किया कि अभी यार लॉकडाउन के अंदर कुर्बानी इसको नहीं करते, 1 साल और रोकते हैं, तो इसको 1 साल और रोके। अल्हम्दुलिल्लाह इसने 6 महीने में 7 महीने में बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, 90-95 kg से अल्हम्दुलिल्लाह 130 kg पे आके अभी 1 महीने से होल्ड पे आ गया है। अच्छा, ये मालवा हमारे पास आया था 92-93 kg पे ईद के 8 दिन बाद, बकरीद के 8 दिन बाद, ये अल्हम्दुलिल्लाह 132-133 kg पे अभी। ये अंडू बकरा है, मुँह से खा के इतना तैयार हुआ है। वाह, कोई भराई नहीं है आसिम भाई, कोई वो नहीं है, सेल्फ फीडिंग पे, प्योर सेल्फ फीडिंग पे। ये दाना भी आप देख सकते हो, हम लोग ये दाना भी दे रहे हैं, देखो इसके अंदर जैसा कि जौ है, मक्का है, गेहूं है, और चना भी है, बड़े बकरों के लिए चना भी दे रहे हैं माशाल्लाह। तो ये पहला बाड़ा, इसमें ज्यादातर बकरे बिके हुए? ज्यादातर बकरे बिके हुए इसके, मैं मोस्टली सब बकरे बकरीद के वक्त ही बिके थे 60-70 kg पे, और लोगों ने 1 साल पाली लिए ताकि बकरे बड़े हो जाए, 100, 105, 110 kg, तो ये लगभग सब बकरे बड़े हैं ऑलमोस्ट माशाल्लाह। और ज्यादातर हमारे पास से बिके हुए बकरे? ज्यादातर हमारे पास से बिके हुए। ठीक है, क्वालिटी भी हमारे व्यूवर्स जो है ना आसिम भाई जी, वो देख सकते हैं कि हम लोग क्या क्वालिटी का माल बकरीद के वक्त लाते हैं, साल भर क्या क्वालिटी रखते हैं, और क्या रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से आता है। तो ये एक आइडिया अच्छी आ सकती है ये बकरों को देखकर। सही है। ये जैसे कि दूसरा बाड़ा जो है आसिम भाई, ये बकरे भी मोस्टली अपने पास से ही बिके, ये 70-75-80 kg पे अभी खड़े हैं। ये बकरे जो लोग हमारे फार्म पे विजिट किए थे ना आसिम भाई जी बकरीद में, ये वहाँ पर थे, आगे वाला जो बाड़ा है ना, ये वहाँ के बकरे थे ड्यूरिंग बकरीद, ये छोटे बच्चे थे, 28 kg, 30 kg, 32 kg, ऐसे बच्चे थे। अल्लाह के करम से, अल्लाह के एहसान से ये बड़े हो गए, 65 kg, कोई 70 kg, कोई 75 kg, ऐसे तैयार हो गए, और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि और 15-20 kg इंशाल्लाह बकरी तक तैयार हो। तो आप लोग, आप बकरा ईद के टाइम पे छोटे बच्चे भी लाते हैं? जी लाते हैं, छोटे बच्चे भी लाते हैं बकरी, तो लोग जब भी खरीद के यहीं रख सकते हैं? हाँ, जब भी खरीद के रख सकते हैं, 1 साल पाल भी सकते हैं, या किसी को लेके जाना है तो लेके जा भी सकते हैं। सही है, तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया इन्होंने, काफ़ी गुलाबी चमड़ी में बकरे दिखते हैं इसमें। क्वालिटी का एक अंदाजा लगा सकते हैं आप वीडियो दिखाकर, क्वालिटी का कस्टमर्स जो है, व्यूवर्स जो है हमारे जो देखते हैं वीडियो, वो बकरे की शक्ल, सूरत, कान, हाथ पैर वगैरह देख के एक क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस क्वालिटी के बकरे हैं। माशाल्लाह। तो दोस्तों, जैसे आप लोग देख पा रहे, क्वालिटी मैटर्स, एंड वेट गेन भी देखेंगे अगर आप बकरों का, जैसे बता रहे नदीम भाई, जब ये बकरे आए थे यहाँ पर देवर अराउंड 25-30 kg, आज आप देख सकते हैं इसमें 50-70 kg तक के बकरे हैं। यासिन भाई, ये एक बच्चा खाली आपको दिखाता हूँ व्यूअर्स के लिए जी,
ये बच्चा हमारे पास से बकरीद में 21,000 रुपये में बिका था, 21,000 जी। ये अभी दो दांत पे आसिम भाई 80 किलो के आसपास है, चाहे तो इसका वजन भी करवा सकते हैं। सही है, 80 किलो के ऊपर दो दांत जस्ट किया है बच्चा, पूरा गुलाबी चमड़ी का और अंडू बच्चा है जी, खसी नहीं की है, इसको अंडू रखो अभी। माशाल्लाह क्या सीना है, देख सकते हैं आप लोग, जाने दो उसको। सो दोस्तों ये 12 नंबर 2 जो देखा हमने, इसमें से कोई भी बकरा फॉर सेल नहीं है, ये सारे बकरे यहीं से ख़रीद के यहाँ पलाई पे हैं। पर अभी जो आगे बाड़े देखेंगे हम लोग, उसमें बेचने वाले बकरे हैं, तो वो भी आपको दिखाते हैं, आइए। सो नदीम भाई, ये वाले बाड़े में बकरे हैं बेचने वाले? ये बाड़े में आसिम भाई, ये बकरे सब फॉर सेल है, इसके अंदर 50 किलो के रेंज से अल्हम्दुलिल्लाह 80-90 किलो की रेंज तक का बकरे है, कुछ अदंत भी है, कुछ दो दांत भी है, कुछ चार दांत भी है। और नदीम भाई, बकरे हमने अभी खरीद के तैयार किए कि हमने छोटे पैसे ही तैयारी पे लिए? ये मेरी एक्चुअली खरीदी आसिम भाई 3 महीने पहले हो चुकी थी बकरों की, लेकिन वो ठंडी की वजह से मैंने मंगवाया नहीं था। अच्छा, ये बकरे रिसेंटली अभी महीना भर नहीं हुआ समझो ना, 20 दिन के आसपास हुए बकरे आए हैं हमारे पास, और अल्हम्दुलिल्लाह ये वैक्सीनेटेड बकरे है और सेट है अपने क्लाइमेट में जी। 20 दिन के अंदर हमने इनको डीवॉर्मिंग, पीटीआर का वैक्सीन वगैरह सारी चीज़ें दे दी है, अल्लाह के करम से अभी तक का कुछ बीमारी वगैरह। और इनके बाल खुर यहाँ आके कटे कि वहीं कटे? वहीं से कटवा के मंगवाए थे। नहीं, ये सही किया आपने माशाल्लाह, ये अक्सर बकरों के इसमें बाल कटे हुए हैं। हाँ हाँ, सबके ज़्यादातर कटे हुए हैं। और एक एवरेज वजन पट्टी क्या है ये बकरों की? मेरे ख्याल में आसिम भाई 60-65 किलो की पट्टी आ जाएगी जी, अभी अभी आ जाएगी। तो अगर कोई अभी खरीद के रखता है हाँ। तो वैसे बनाने वाली जात तो अल्लाह की है बिल्कुल, पर ऑन एवरेज क्या वजन के हो जाएंगे बकरा ईद में? मेरे तजुर्बे से और अंदाजे से इंशाल्लाह, अल्लाह की जात से उम्मीद है 15-20 किलो के बीच में इंशाल्लाह, गर्मियों के मौसम में 4 महीने के अंदर वजन आना, मतलब अराउंड 80-90 केजी की उम्मीद है आपको? 80-85 किलो के बीच में आ जाएंगे, हर बकरा नहीं बनेगा, हर बकरा नहीं बन जाएंगे जी, कुछ बकरे जो अच्छे हैं वो बन जाएंगे। इसमें हम देख रहे कुछ सफ़ेद आँख में है जी बकरे, और जैसे ये बकरा देख रहे हम लोग, ये सिरोही में बोलेंगे भाई जी। ये बकरे की माशाल्लाह लेंथ बहुत अच्छी है और एकदम बारीक चमड़ी का, पतली चमड़ी का बच्चा है। देखो अक्सर अगर आप गौर करेंगे नासिम भाई जी, तो ये सब बच्चे जो है ना ये चमकदार है, इनकी रूहें जो है ना नरम है और ये चमड़ी इनकी बहुत बारीक है। देखो चमड़ी जो है ना एकदम फाइन, पतली चमड़ी है जी, पतली चमड़ी के बच्चे जो रहते हैं मेरे अंदाजे से बनने के बाद बहुत खूबसूरत दिखते हैं जी। नदीम भाई, ये बहुत बारीक बात है जो आपने बताई, लाइक मैं तो इतने वीडियो बनाता हूँ, आई थिंक फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम कोई ये बात बता रहा है मेरे को। फार्मर्स तो मेरे ख्याल में ये सब जानते ही है और जो खरीदी करते ना वो ये सब देख कर ही खरीदते हैं, और मैं चाहता हूँ कि व्यूवर्स भी देख कर ही खरीदे, अच्छा माल खरीदे, क्योंकि मोर ऑल एस पलाई का पैसा तो चाहे कहीं पर भी आप रखो मोर ऑल एस सेम ही है, कोई 2,500 ले रहा है, कोई 3,000 ले रहा है जी, 500 रुपये का, बहुत से बहुत 700 रुपये के फ़र्क में ही बकरे पलते हैं। लेकिन बकरे की खरीदी जो है ना आसिम भाई, वो बहुत सही समझ के होनी चाहिए। तो नदीम भाई, हम लोग वजन से बेचते हैं ऐसे बकरे के नक पे बेचते हैं? हम लोग दोनों तरफ से बेचते हैं, अगर किसी भाई को वजन से लेना है तो वजन से भी दे देते हैं, और लमसम से लेना है तो लमसम भी देते हैं। और अगर अभी कोई खरीद लेता है तो बकरा ईद तक पलाई का पैसा लेते हैं कि वजन के हिसाब से जोड़ते हैं? बकरा ईद तक का यानी जैसे कि आज अगर कोई बकरा हमसे फोन करके अगर कोई मांगा तो हमने उसको बकरा अगर बेचे तो आज का जो करंट वेट है या करंट बकरे के लमसम के हिसाब से पैसा, और जो 3 महीने 3.5 महीने जो भी पीरियड बचा है जी, उसका हम लोग खावटी का पैसा ले लेंगे, खावटी का पैसा ले लेंगे। ठीक है, तो ये एक और बाड़ा देखा हमने, काफ़ी मज़ा आया। इसके बाद और बहुत सारे बाड़े हैं दोस्तों, और अंडुल बकरे भी हैं। सो जो अंडुल के लवर्स हैं प्लीज़ निराश ना हो और वीडियो भगाओ मत, अब ये आगे आपको अंडुल बकरे भी देखने मिलेंगे। सो नदीम भाई, सेकंड बाड़े में लाए हैं आप, एंड आई थिंक दिस आर, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मतलब इतने गुलाबी बच्चे हैं माशाल्लाह। ये इसमें मोस्टली गुलाबी सोजत भी है आसिम भाई जी, और पतीरे भी है, और इसमें अक्सर बकरे अदंत भी है और दो दांत भी है, और जो सोजत में भी है आसिम भाई, मिसाल के तौर पर ये बच्चा देखिए जी, ये बच्चे को आप देखिए, ये बच्चे का चेहरा देखिए, ये पंच फेस का चेहरा है। अच्छा, इसके पैर नोट करिए माशाल्लाह, ये बरबरे के पैर है, देखो इसके खुले हुए पैर, खुले हुए पैर के बच्चे जो है ना वो बहुत बनते हैं जी, जिन बकरों के पैर नज़दीक होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वज़न बढ़ने के बाद कैंची कर देते हैं।
अच्छा, और खुले में बकरे के जो पैर होते हैं ना, सीधे पैर, हाँ हाँ, वो बकरे बहुत बनते हैं और उनकी चाल ही अलग होती है, चलने में चाल भी फर्क है। काफी अच्छी बात बताई। जैसे एक बाड़ों में मैं पूछूं लोगों को कि भाई आपका फेवरेट बकरा कौन सा है वो निकालो, तो आराम से आदमी निकाल लेता है, लेकिन इसमें तो मुश्किल नहीं नामुमकिन है, मतलब एक से एक हीरे हैं इसके अंदर। अभी ये देखिए आसिम भाई, ये बहुत रेयर चीज़ है। ये वही मैं बोल रहा था, बहुत यानी लोगों को जल्दी दिखेंगी नहीं। हाँ, ये पतीरे भी जो है ना, ये सोजत क्रॉस पतीरे नहीं है, इसमें बहुत पतीरे ये है ओरिजिनलिटी में आते हैं क्योंकि छोटी हाइट के। जी, पतीरे जो ओरिजिनल थे ना आसिम भाई, हाँ, वो छोटे कद के ही होते थे। हाँ, और वो ज्यादा वजन नहीं लेते थे, 70 किलो 80 किलो 90 किलो, ये उनकी खासियत थी। वाओ, इसकी बुल सिंग एकदम, गला पट्टी, इसकी सिंग, इसके कान, इसका सीना, ये इसकी खूबी है माशाल्लाह। नहीं कि ये देखें खड़ी सिंग, ये हिरन के ऐसी सिंग रखने वाला बच्चा, देखो 12 सिंगा नाम है इसका। ये बच्चा भीग गया है, व्यूअर्स को आप बता दीजिए, ये बच्चा हमारे बहुत पुराने दोस्त थे उनके अपने पास, अल्लाह के नाम से। ये क्या है भाई, पंच फेस में चेहरा देखो इसका, माशाल्लाह इसका चेहरा देखो, ये तोतापुरी पत्ती रहा है क्या, ये पत्ती में चेहरा पंच आ गया इसका, इतना पंच। हाँ, सही है। अच्छा, सिंह भी आसिम भाई देखिए, मार्बल सिंह। अच्छा, भी पूरे मार्बल है, देखो ना भाई, ये तो नहीं बिका हुआ है ना, ये बिका नहीं है। हाँ, ये अवेलेबल। हाँ, बता दो ऐसा। अच्छा, ये भी बिक गया, माफ करना, ये मेरा आदमी बता दे, देखिए कुछ। हाँ, बकरों को है ना इसमें बिल्ला लगा हुआ है। हाँ, तो ये जो बिल्ले लगे हुए बच्चे ना, वो सब बिक गए। हाँ, तो दोस्तों जैसे हम लोग आपको बता रहे थे, माशाल्लाह बहुत टॉप नॉच क्वालिटी में बकरे हैं। नदीम भाई, अगर ये बकरे कोई अभी ख़रीदता है जी, तो आपके पास सी पलाई पे रख सकते रहे, अगर किसको लेके भी जाना है, बाहर भी रखना है, तो कोई दिक्कत नहीं है हमको जी, और हमारे पास भी रखेंगे तो कोई मसला नहीं है जी। लेकिन हमारे पास रखेंगे तो कैसा है कि हम लोग ये बकरों को थोड़ा जानते हैं, पहले से खरीदे हैं, हाथ के बच्चे हमारे जी, तो थोड़ा दूसरे फार्मर से ज़्यादा एक्सपीरियंस तरीके से, यानी ज़्यादा अच्छे तरीके से कैटिंग कर सकते हैं जी। और पलाई के चार्जेस क्या है अपने? पलाई के चार्जेस हमारे 2500 रुपये खस्सी के हैं आसिम भाई जी, और अंडू के 3500 है, लेकिन फिलहाल अंडू की अभी अपने पास जगह नहीं है आसिम भाई, ओवर पैक चल रहे हैं हम लोग, तो अंडू तो हम लोग नहीं लेंगे, लेकिन खस्सी अगर किसी के लेंगे तो ले भी लेंगे, अच्छा है ना। एंड कुछ लोगों के लिए ऑफर्स या डिस्काउंट पलाई पे, ऐसा कुछ सोचा है आपने? नहीं, ऑफर्स और डिस्काउंट तो मैं नहीं दे सकूंगा आसिम भाई, लेकिन कैसा है कि बकरे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से अच्छे दूंगा और अच्छे से अच्छा तैयार करके दूंगा इंशाल्लाह। मतलब यू विल बिलीव इन द रिजल्ट्स इंशाल्लाह, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास जो बकरे हैं ना, माफ करना आसिम भाई, काट रहा हूँ थोड़ा बात आपको जी, अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास जो बकरे हैं सालों से लोगों के मेंटेन चल रहे हैं, किसी के 10, किसी के 15, 2-3 बकरे से लोगों ने शुरुआत किए थे, अल्लाह के करम से एक एक आदमी के 20-20 बकरे भी है, एक आदमी है उसके 40 बकरे भी है मेरे पास पलाई पे, अल्लाह का शुक्र है भाई, 38 बकरे प्रिसाइज, 38 बकरे भी है उसके। तो वो कुर्बानी के नियत से, कुर्बानी के, बेचने वाले नहीं है, कुर्बानी के। मतलब कैसा है कि लोगों का भरोसा भी है और अल्लाह के करम से रिजल्ट मिलता भी, और इतना भरोसा लोगों का होना यही बहुत बड़ी बात है। ये बकरों के लिए तो मैं ये मुराद करूँगा कि ये बकरे रमज़ान से पहले ही ले लें आप लोग, ताकि यू नो ऐसी चीज़ फिर पता नहीं मेरे को, लेकिन बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और भाई आपने कुछ रेट सेट किया है वज़न के हिसाब से ऐसा कुछ? असल में हमारे पास यानी पूरे फार्म के अंदर 450 रुपये से लेके 650 रुपये तक का बकरा है जी, यानी 450 वाली क्वालिटी का भी है, 500 वाला भी बकरा है, और गुलाबी बच्चे जो है 600 वाले भी है, बड़े बकरे 650 वाले भी है, पतीरे भी है, कोई 600 वाले पतीरे, कोई वाइट आइज में पतीरे है, वो थोड़े एक्सपेंसिव, यानी हर रेंज है। तो अगर जिन भाइयों को इंटरेस्टेड है और जिनको चाहिए तो वो फार्म पर आ सकते हैं, मेरा फार्म अल्हम्दुलिल्लाह खुला है रमज़ान से पहले, और रमज़ान के अंदर भी लोग अगर आना चाहे तो आ सकते हैं, कोई मना नहीं है। तो वो सामने आके अपने हाथ से पसंद करके, सामने बकरे को देख के पसंद करे, जो बेस्ट रेट होगा इंशाल्लाह वो कर देंगे इंशाल्लाह। ये बकरों का हम एक अलग से भी वीडियो बनाएंगे एंड में इंशाल्लाह, अभी एक टूर दे रहे हैं हम लोग, एंड इंशाल्लाह लोगों को मज़ा ही आ रहा होगा। प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिए आप लोग, एक से एक चीज़ आपको क्लासिक गोट फार्म पे देखने मिलेगी। आइए नदीम भाई, नेक्स्ट बाड़े पे विजिट करते हैं। तो नदीम भाई माशाल्लाह ये बाड़े में भी सब हैवी बकरे हैं जी, क्या वेट रेंज के हैं ये? लगभग 115 किलो तक का है बकरे, 85 किलो से लेके 110-112, एक बकरा इसमें हैवी 114-115 किलो का है। बकरों के थोड़े सी माफ़ी चाहता हूँ आसिम भाई, व्यूअर्स को थोड़ा सी समझने में या देखने में परेशानी भी हो सकती है, थोड़े सी बाल कटे हुए बकरों के, और बाल काटना ज़रूरी भी है गर्मियों के मौसम में, गर्मी भी जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर जी, तो गर्मियों के मौसम में बकरों के बाल इसके लिए काटे जाते हैं ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो, और बकरे ग्रोथ हाइट लेंथ वज़न भी ज़्यादा लेते हैं, तो उस वजह से हमको बाल भी काटना पड़ता है। कभी कभी बकरे बिना बाल के उतने प्यारे नहीं दिखते जी जी जी,
तो मैं तो व्यूवर्स से गुजारिश करूंगा कि आप लोग आओ यहाँ पर फार्म पर, लाइव आकर देखो। एक एक बकरा बहुत खूबसूरत है, थोड़े सी बाल की नहीं होने से थोड़ी सी खूबसूरती में हो सकता है कि कमी दिखे, लेकिन एक आने वाले 8-10 दिन के अंदर इंशाल्लाह बकरे पूरे रुबाब में दिखेंगे, पूरे फिट दिखेंगे इंशाल्लाह। उनका भी एक अलग वीडियो बनाएंगे हम लोग ताकि लोगों को समझ में आए। ये मेरे को थोड़ी एवरेज पट्टी दिख रही है वेट के मामले से। ये इसमें कुछ बकरे जो है ना आसिम भाई, छोटे भी है, गुजरी नस्ल भी है, सोजत की है, साइज भी छोटी है बकरों की। ये थोड़ा एवरेज माल है, जैसा मैंने बताया ना, सस्ता माल भी है हमारे पास जी। और आने वाले दिनों में आसिम भाई व्यूवर्स को ये बताना चाहूंगा इंशाल्लाह कि बकरीद के वक्त रमजान बाद मेरे पास छोटे सस्ते बकरे भी आते हैं, यानी जो बजटेड कुर्बानी करते हैं 18,000-20,000। इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेंगी कि इंशाल्लाह उन लोगों का भी ख्याल रखते हुए उनके रेट में, उनके प्राइस रेंज में बकरे डाल। नहीं सही, अल्लाह मतलब बहुत आफियत दे, हर आदमी की कुर्बानी हो, हर आदमी का शौक पूरा हो। तो जैसे हमारे पास भारी बकरे हैं जो साल भर पलते हैं तो वो महंगे भी हो जाते हैं जी, पे खर्च लगते जाता है, बकरे बढ़ते हैं तो महंगे भी होते हैं, वैक्सीनेशन दवा काफी अखराजात होते हैं, काफी अखराजात होते हैं फार्म के अंदर। तो उन लोगों के लिए जो जिनका बजट कम रहता है उनके लिए भी इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेगी कि 18,000-20,000 के बीच में इंशाल्लाह उनको अच्छे से अच्छा बड़े से बड़ा बकरा दे सके। सही है। एंड यहाँ पर भी ये भी बिकने वाले हैं कि ये पलाई ये बिकने वाले बकरे हैं, ये भी इसमें भी आसिम भाई छोटी साइज के बकरे हैं, जैसे 45 किलो-50 किलो की रेंज के बकरे हैं, ज्यादा सोजत है, ज्यादा सोजत है इसमें, और 45-50 के जीज एवरेज है बकरों का। ये भी कुर्बानी तक इंशाल्लाह 63 किलो के आसपास अल्लाह ने चाहे तो तैयार हो जी। तो इनमें से भी अगर किसी भाई को हमारे लेना हो तो वो आके सामने आके देख सकते हैं और इंशाल्लाह जो मुनासिब रहेगा इंशाल्लाह उनके लिए भी कर देंगे। वजन से लेना है वजन से भी देंगे आसिम भाई, और लमसम से लेना है लमसम से भी देंगे इंशाल्लाह। सही है इंशाल्लाह, माशाल्लाह। इधर भी देखें, ये भी सोजत का पूरा लॉट है। लास्ट ईयर बकरा ईद में हमारे यहाँ से कितने बकरे सेल आउट हुए थे? 900 बकरों के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह सेल हुए थे, जैसे मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है। हाँ। कि मेहरुद्दीन भाई के भी बकरे थे, हमारे खुद के भी थे, 2-3 हमारे दोस्त लोग थे जिन्होंने जगह से रेंट पे भी लिए थे जी, तो उनके भी बकरे हमने यहाँ पर बिके थे। तो इंशाल्लाह इस साल भी अल्लाह ने चाहा तो उतने ही बकरे इंशाल्लाह मेंटेन रखेंगे, लेकिन फर्क ये है कि इंशाल्लाह इस साल हमारे ही बकरे देंगे, हमारे पास जगह इस साल देने के लिए नहीं है। कुछ हमारे दोस्त यार जो है वो हर साल जगह के लिए आते हैं, तो उनके लिए जगह इस साल मुश्किल है, देने के लिए जगह नहीं है। हमारे खुद के बकरे अभी 550 बकरे हैं, उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह 300-350 बकरे और आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तो रमज़ान बाद भी पूरी सीरीज बनाएंगे इंशाल्लाह हम लोग। तो ये थे खस्सी के, खस्सी बकरे देख लिए। अंडुल वाले थोड़ा परेशान हो रहे होंगे, अभी तक अंडुल दिखे नहीं। सो नदीम भाई आइए और प्लीज़ एक ओवरव्यू दीजिए। वाह, ये आसिम भाई अंडू का कलेक्शन है हमारे पास। ये जैसे मैंने कहा ना, हमारे कुछ दोस्त है जिनके बकरे पलाई पे है जी, तो कुछ कुछ दोस्त ऐसे है जिनके 18 बकरे 20 बकरे, किनके 12 बकरे। ये काला रेड है मेरे बहुत अजीज, मेरे खास दोस्त का, ये उनका बकरा है। ये कोटा है और ये भी कोटा है, ये मेरे खास दोस्त है जो यहाँ पे रहने नहीं रहते हैं, कुवैत में रहते हैं, उनके बकरे हैं। एक से एक कलेक्शन है, 112 किलो का कोटा है, सेल्फ फीडिंग पे, कोई भी इसके अंदर भराई नहीं है। बकरा देख सकते हैं आप माशाल्लाह, ये भी मेरे बहुत खास दोस्त है बॉम्बे के, उनका ही बकरा ये। वाह, और ये सब बकरे पलाई पे हैं, ये सब बकरे पलाई है ना। बेचने वाले अंडू भी है वो हम बाद में दिखाएंगे, वो बोर भी है आसिम भाई, देखिए व्यूअर्स को दिखाने के लिए वो दिखाएंगे आगे जाके हम लोग, है ना। ये देखिए विलायती है, ये 2 दांत का विलायती है। इसकी खासियत देखो, इसकी सींग देखो, इसके हथियार 2 दांत का विलायती है। वाह, हर साल आपके पास इतने अंडू रहते हैं कि कुछ पहले साल नहीं, इस साल अंडू ज्यादा है मेरे पास, हर साल 30-35-40 ही अंडू रहते हैं इस साल भाई। ये एक यूनिक गुजरी लग रहा है मेरे को, ये गुजरी शॉर्ट हाइटेड गुजरी है ना, बोना गुजरी है। वाह, फर्स्ट टाइम देखा मैंने ऐसा गुजरी, मजा आ गया भाई। सानेन जी, नाम रखते हो आप लोग बकरों के यहाँ पर? नाम तो हम लोग नहीं रखते, ये जिनका बकरा है उसको उन्होंने नाम रखे हैं शायद। इनका क्या नाम है? नाम इसका शायद बाबा जान, ऐसा पूछे ना। क्या नाम है भाई? बाबा जान। देखो माशाल्लाह फुटबॉल जान है। सेल्फ फीडिंग पे सानेन देखो कितना जबरदस्त तैयार है। सो पलाई क्योंकि फुल है अंडुल बकरों की खास करके, भाई बिल्कुल जगह नहीं है ना अंडुल के लिए, बिल्कुल जगह नहीं है। हर नस्ल का अंडू है यहाँ पर। ये क्या मेवात है भाई ये? जी, ओ, ओ, ओ,
तो दोस्तों एक ओवरव्यू दे रहे हैं आपको, देखें ये क्या हंसा है भाई, ये हंसा जी। इसका झालर देखिए, भाई जैसे खस्सी तो आप रखते ही थे पलाई पे, अंडुल में रिजल्ट कैसा आ रहा है आपको और क्या आप खुश हैं? अंडू में अल्लाह के करम से, देखो अंडू बकरों में खस्सी बकरों से रिजल्ट कम आता है पलाई के मामले में। जैसे एक अंडू का हमारा मानना है कि 20 से 25 किलो ही साल में वेट लेता है, क्योंकि अंडू क्योंकि गर्म होते हैं तो वो वजन लेते हैं, लेकिन फिर गर्मी की वजह से, मस्ती की वजह से अपना वजन नीचे भी कर लेते हैं जी। तो इस वजह से अंडू को, लेकिन अंडू का 20 किलो अगर चढ़ गया वजन अंडू के बदन पे, तो वो खस्सी के 40 किलो से ज्यादा दिखता है। अच्छा, हाँ ये बात है। जो अंडू के शौकीन है तो वो खुद भी ये बात जानते हैं कि अंडू में 20-25 किलो वजन अगर चढ़ गया वो खस्सी से ज्यादा दिख कर आएंगे, क्योंकि अंडू का चेहरा, उसका सीना, उसका गला, वो सारे रुबाब होता है, उनकी हड्डियों में वजन अलग होता है जी। तो खस्सियों में आसानी से वजन चढ़ जाता है, अंडू में थोड़ी मुश्किल आती है। और मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं 10 बहुत फार्म घूमता हूँ, सिर्फ वजन ही सब कुछ नहीं होता, बिल्कुल एक मेंटेनेंस, एक बॉडी फिगर से लगता है। बकरे साफ ना, सब बकरे खुश हैं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से। बकरे साफ होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। अभी देखिए इतना बड़ा कोटा है, ये कोटा है, बकरे अंदर साफ है। ये हफ्ते में एक बार हम लोग बकरों को नहलाते हैं, सही है, हफ्ते में एक बार बकरों को नहलाते हैं, दिन में 2 बार या 3 बार ज्यादा जरूरत लगती है तो झाड़ू भी लगता है, उनके फीडर साफ होते हैं, पानी दिन में उनको 3 से 4 बार बदल बदल के दिया जाता है, फीड उनको 3 किस्म का 4 किस्म का अलग अलग वक्त दिया जाता है, तो इनको मेंटेन रखना बहुत बड़ी बात है। सही है। और आपने बहुत तरीके से काम किया है, मतलब केज नहीं है फिर भी बकरे देखे बहुत डिस्टेंस पे हैं, देखो आप लोग, और फीडिंग का भी बराबर इंतज़ाम है, बकरे आपस में झगड़ा नहीं कर सकते। वाह कुछ चुनिंदा फार्मों पे दिखते भाई ये सब कलेक्शन, हाँ क्लासिक गोट फार्म पे देखने मिल रहे, पूरा बोर है लाइन से। अरे वाह, ये हमारे बहुत खास दोस्त हैं जो कुवैत में रहते हैं, ये उनके बोर है, लाइन से दिखाता हूँ देखो, ये उनके हैं। अच्छा। और वो जो साने बाबा जान जिनने का हमने बताए, वो ये सारे बकरे उनके ही हैं। ये एक हैदराबादी है, ये मरीनो है ना, ये मरीनो शीप है, मरीनो है, बहुत प्यारा बच्चा है। वाह, आप पर्सनली अंडुल बकरे पसंद करते हैं कि नहीं? वैसे जी जी बहुत पसंद करते हैं, और अंडू का ही शौक था पहले। अच्छा, पहले अंडू से ही खस्सी में आया हूँ, और ऐसा लग रहा है कि फिर खस्सी से अंडू में वापिस जा रहा हूँ। सही है। तो ये साल के लिए तो फुल अंडुल की पलाई, लेकिन आने वाले साल में क्या आप अंडुल और पलाई पे लेंगे? जी, आने वाले साल में इंशाल्लाह केज बनाने का भी इरादा है जी, के कुछ केज का भी काम इंशाल्लाह ईद बाद चालू करेंगे, और इंशाल्लाह केज में भी बकरे रखेंगे और खूंटे सिस्टम में भी बकरे रखेंगे। सही है। सो दोस्तों, इसमें से कोई भी बकरा बेचने के लिए नहीं है, पर अभी तक हमने, मैं बता दूँ आपको कि 40% ही इनका फार्म देखा है, तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा फार्म है माशाल्लाह। और मुझ पर अटैक हो गया। सो जैसे मैं बता रहा हूँ दोस्तों आपको, आई थिंक ये सबसे बड़ा ओवरव्यू वीडियो होगा मेरी लाइफ का, तो माशाल्लाह फार्म ही इतना बड़ा है, हम लोग बोल नहीं रहे कि मुंबई का सबसे बड़ा फार्म है, पर आप जब आके देखोगे तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा। ये दोनों साइड में भाई पलाई के बकरे हैं कि बेचने वाले हैं? ये तो बाहर से मेरे पास पलाई के आए, कुछ मेरे पास से भी बच्चे बिके हुए थे, और ये सारे बच्चे अपने ही बिके हुए, सब बिक गए, और इसमें बचा कोई भी नहीं है, तो आप कह सकते हो कि ये पलाई के हैं। पलाई के हैं, और ये सब बड़े बड़े जो अंडू हैं यहाँ पर, ये सब इसमें सब बकरे बिके हुए हैं। हाँ, कुछ बकरे हैं फॉर सेल, तो वो हम बता देंगे उनको, है ना, वो बाद में बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो वही होगा। अंडुल के पसंद करने वालों बिल्कुल बुरा मत मानो, नेक्स्ट वीडियो अंडुल पे होगा इंशाल्लाह। क्लासिक गोट फार्म जो काफ़ी फेमस है, था खस्सी बकरों के लिए, लेकिन अंडुल बकरे आज आपको दिखाएंगे इनके। नदीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक
एक्चुअली बहुत फास्ट में मैं ओवरव्यू ख़त्म कर रहा हूँ, और भी बहुत कुछ है दिखाने के लिए, लेकिन क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो गया और आपके साथ बात करते करते टाइम कैसा गया मालूम नहीं पड़ा जी। माशाल्लाह काफ़ी नॉलेज, आप कितने साल से फार्म चला रहे हैं, और मैं छोटा सा बोल दूँ लोगों को कि काफ़ी सीखने मिलता है लोगों को जब आते हैं फार्म पे, पूरी चीज़ें देखते एक एक करके। सो नदीम भाई जी, मैं भी एक्चुअली लोगों से बहुत सीखता हूँ जो मेरे पास बकरे रखते हैं ना जी। आते हैं तो कुछ कुछ बातें, ये इंडस्ट्री ही ऐसी है कि आदमी हर वक्त इसमें सीखता रहता है जी। जो आदमी ये समझ लिया कि मैंने सब सीख लिया, उस दिन से उसकी गिरावट चालू हो गई जी। और जो आदमी सीखने की नीयत से जब तक इसमें सीखते रहेगा, अल्लाह उसको सिखाते रहेंगे इंशाल्लाह। आमीन। एंड नदीम, आपका बहुत बहुत जजाकल्ला आसिम भाई, आप इतनी गर्मी में और इतनी दूर से माशाल्लाह इतनी गर्मी के अंदर आए और इतना वक्त निकाले, अल्लाह आपको जजाए खैर दे, आपने वीडियो शूट किया उसके लिए जी। एक लास्ट सवाल ऐसा था कि अगर जो बकरा खरीदता है आपके पास, आपके पास पलाई पे रखता है, या बाहर का भी बकरा जो पलाई पे, यहाँ पर आना देखना उसका क्या सिस्टम है, कभी आ सकता है आदमी आपके बकरे देखने? नॉर्मली मैं व्यूअर्स को संडे इसलिए बोलता हूँ कि संडे के दिन मैं भी इजीली अवेलेबल रहता हूँ जी। संडे काफ़ी सालों से मैंने संडे अपना जो है ना वो घर पर नहीं गुजारा हूँ, फार्म पर ही गुजारा हूँ। जब से फार्म डाला हूँ मैक्सिमम संडे जो है मैं फार्म पर ही गुजारा हूँ। दो चार संडे ऐसे हो गए कि मैं जो नहीं आ सका किसी वजह से, बाकी इस वजह से मैं बोलता हूँ कि संडे के दिन आप दोपहर में 12 बजे 1 बजे के बाद से शाम को 6 7 बजे 8 बजे तक आ पाइए। लेकिन अगर किसी को संडे नहीं जमता है और वो फ़ोन करके मुझे कोई और डे आ जाएगा तो उनको मना भी नहीं करेंगे इंशाल्लाह। सही है, तो इंशाल्लाह आप फ़ोन कीजिए। नदीम भाई आपके नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा जी जी, एंड आपका मैप वगैरह सब डाल देंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई, वीडियो ख़त्म करते हैं, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।